अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन बचे हुए पीसीस से एक छोटी बेबी गर्ल का बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक रेडी करके दिखाऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये जो पीस है इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इसकी लेंथ है तकरीबन 12 इंचज और लेंथ विड्थ सॉरी इसकी तकरीबन ये 30 इंचज तक थोड़ी सी कम है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सेंटर से हाफ़ कर लूँगी ऐसे, और इन पीसेस की एक साइड यहाँ जो इसकी विड्थ है जहाँ पे वो एक साइड जो है मैं बारीक बारीक फोल्ड कर लूँगी पहले ऐसे इतनी इतनी। यहाँ पे मैंने अपने दोनों पीसीस को इस तरह बारीक बारीकी तक फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं जिस साइड से मैंने फ़ोल्ड किया है इस साइड से मैं इस पर बॉक्स प्लेटेड डालूँगी। ये देखें यहाँ एक साइड से तकरीबन, ये देखें एंड से मैं तकरीबन इसको 1.5 इंच का गैप देते हुए यहाँ से इस पर प्लेट्स डालना स्टार्ट करूँगी और इतना इस तरफ, और जो मैंने प्लेट डाला है वो भी तकरीबन 1.25 इंच है। ये वाला इस साइड पे और अब इधर से फिर उठा के इस साइड पे ऐसे, और ये दोनों जो हमारे प्लेट्स हैं ये सेम होने चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब मैं यहाँ इसको पिन्स अटैच कर, ये देखें इस तरह से मैंने इसको पिनअप कर लिया। आप इसी तरह से अगला भी इतना 1/2 इंच का और फिर इधर से भी 1/2 इंच का ऐसे, और फिर इसको भी पिनअप कर लेती हूँ। ये देखें दूसरा भी इसमें मैंने कर लिया, और इनका जो गैप है पीछे वो भी मेजर करते रहें साथ साथ। देखें ये इक्वल हैं दोनों, ये ऐसे। इसी तरह से इस पूरे पीस पे मैं इसी तरह प्लेट्स डाल लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक पीस पे ये प्लेट्स डाल लिए, और अब यहाँ पे जो इसकी विड्थ रह गई है वो है ये तकरीबन 11 इंचज। पहले 30 इंचज थी और अब 11 इंचज रह गई है। और अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप इसको जो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको जो मैंने सिलाई लगाई है पहले, अब उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगाऊंगी ताकि ये फिक्स हो जाए इसी जगह पे। यहाँ पे मेरी ये एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, इसी तरह से अब मैं दूसरी भी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे ये दोनों पीसीज रेडी हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब मैं इसको इस तरह से आयरन कर लूँगी ऐसे। ये देखें व्यूअर्स, इनको मैंने आयरन कर लिया। अब ये जो मैंने लेस ली है इसको थोड़े नीचे गैप पे इस तरह से ऐसे इसके ऊपर लगाऊँगी इस तरह, इस पूरे पे। अब मैं दोनों पीसीस पे लगा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे लेस लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितना गैप हमारा इधर प्लेट्स में ऊपर है उतना ही गैप इधर नीचे भी आना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट भी ऐसे ही।
ऐसे इनको अटैच करके फिर इस तरह इसके ऊपर लेस लगाना। यहाँ पे मैंने अपने दोनों पीसेस के ऊपर लेस लगा लिए। अभी मैंने इसको सिंगल सिलाई लगाया, अब मैं यहाँ पे इसकी डबल सिलाई भी लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डबल सिलाई भी लगा ली है और ये मेरे पास जो इसके साथ मैचिंग एक्स्ट्रा पीस है इससे मैं इसकी स्ट्रिप बनाऊँगी। ये वाला पैटर्न यूज़ करते हुए ये वाले यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप रेडी कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है और जो मैंने सिलाई लगाई है वो 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। यहाँ पे जो मैंने इसकी स्ट्रिप कटिंग की है यहाँ पे स्ट्रिप की लेंथ जो है वो है 12 इंचेस और इसको इस तरह फोल्ड करके 1.5 इंच का गैप देते हुए यहाँ पे मैं इस तरह सीधी सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये देखें इसको सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर और यहाँ पे जहाँ हमारी नीचे सिलाई है वहाँ से इस तरह इनको इकट्ठा करके इसकी छोटी सी बो बनाऊंगी यहाँ पे इस तरह से। लेकिन उससे पहले मैं इसको अपने फ्रॉक के साथ अटैच करूँगी। यहाँ पे मैंने एक साइड पे स्ट्रिप अटैच कर लिए और इस तरह पहले मैं फ्रॉक का सेंटर बना लें और वहाँ से 2 इंच का गैप 2 इंच पे निशान लगा के और वहाँ पे अपनी स्ट्रिप लगाएं। यहाँ देखें यहाँ मैंने इसका सेंटर बना लिया इधर और फिर यहाँ 2 इंच पे निशान लगाया ये और फिर यहाँ पे एक साइड पे स्ट्रिप अटैच कर दिया। इसी तरह से अब इस साइड पे भी यहाँ पे और ये फ्रॉक की सीधी साइड और जो स्ट्रिप की सीधी साइड है वो मिला के रखें और इसको यहाँ पे बिल्कुल सिलाई जहाँ नीचे लगी है उसके ऊपर सिलाई लगाएं। ये देखिए व्यूअर्स फ्रॉक की एक साइड पे मैंने इनको अटैच कर लिया। अब इसी तरह से दूसरी साइड ऐसे रख के और फिर इसको इनके साथ अटैच करती हूँ इसके साथ। ये देखिए व्यूअर्स इनको मैंने अटैच कर लिया फ्रॉक के साथ। अब मैं इसकी साइड सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद नीचे से इसको फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स ये हमारा फ्रॉक रेडी है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।